आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के केस में पेशरफ्त हुई है। FIA साइबर क्राइम ने लाहौर के एक यूट्यूबर को भी तलब करने का फैसला कर लिया है। इससे मुतालिक तफसील जानेंगे। समा के नुमाइंदे जावेद चौधरी हमारे साथ हैं। जावेद चौधरी आगाह कीजिए। जी साइबर क्राइम सर्कल यहाँ तो पहले से गिरफ्तार से भी फैसला हुआ जब राबता करने की कोशिश करते हैं। आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो पर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के केस में पेशरफ्त हुई है। FIA साइबर क्राइम ने लाहौर के एक यूट्यूबर को भी तलब करने का फैसला कर लिया है। यूट्यूबर से मजकूरा वीडियो के हुसूल का जरिया पूछा जाएगा और यूट्यूबर की जानिब से मुबैना नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी उससे मजीद तफसीलात भी मांगी जाएंगी। बात करेंगे जावेद चौधरी हमारे साथ ही हैं। जावेद अपडेट कीजिए। जी आमिर लियाकत मरहूम की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के हवाले से लाहौर के एक यूट्यूबर को तलब करने का फैसला किया गया जिसने मुबैना नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। यूट्यूबर से मजकूरा वीडियो का जरिया पूछा जाएगा जबकि पहले से गिरफ्तार मुजरिम से भी दोबारा तफ्तीश का फैसला किया गया है। फजील नामी मुजरिम मरहूम आमिर लियाकत का प्रोसेस कैटी और तमाम वीडियो आर्काइव का कस्टोडियन था। फजील नामी मुजरिम को रवा साल मार्च में खातून में रास्ता करने के जान गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश मुजरिम के एक दोस्त से दानिशा के मुबैना नाते की निशानदेही हुई थी जबकि मुजरिम को गांव में मोबाइल का दोबारा फाजिल कराने का भी फैसला किया गया है और तहम तफ्तीशी अफसरों को अभी तक जाने चाहिए पुराने मोबाइल से। जावेद चौधरी तफसील के लिए आपका शुक्रिया।